ये आपको एड्रीनोक्स वाला इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जब इंफोटेनमेंट भी आपको जो कि टॉप मॉडल में आता है वो वाला भी मिल जाएगा। ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, और यहाँ से आपको सनरूफ का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। दोस्तों ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जेड सिक्स। अभी पता होगा 2024 में जो स्कॉर्पियो एन जेड सिक्स आ रही है उसमें से काफ़ी सारे फीचर्स हटा दिए गए, लेकिन ये वाली जो स्कॉर्पियो एन जेड सिक्स है इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं क्योंकि ये पिछले लॉट की गाड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हो, मैं इतना स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ बताऊँ, क्योंकि बारिश आ रही है, देखो पूरा भीग जाऊँगा इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को एक अच्छी डील दिला दूंगा, लेकिन सिर्फ आसाम तक भाई। हाँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में किसी रीजन से बिलोंग करते हो तो वही मैसेज करना, वरना आपका मैसेज करना बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि वहाँ तक डिलीवरी नहीं जाती है, दिल्ली गुड़गांव साइड तक। ये इसका जेड सिक्स सबसे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट पहले माना जाता था, और वो पहले वाली गाड़ी है जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। पहले अंदर से शुरुआत कर लेता हूँ क्योंकि मेन चीज़ तो अंदर ही है ना, बाहर तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये आपको एड्रीनोक्स वाला इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जबकि अगर आज आप स्कॉर्पियो लेने जाओ तो उसमें आपको जेड फोर वाला इंफोटेनमेंट मिलता है, ठीक है, जेड फोर वाला, जो कि काफ़ी घटिया तो नहीं बोलूंगा, मतलब इतने इसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते। इसमें एड्रीनोक्स मिल जाता है, रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, देख रहे हो, इसमें आपको एड्रीनोक्स के जितने फीचर्स मिलते हैं वो मिल जाएंगे। देखो इसमें आपको एप्स वेप्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आप टिकट टेप देख सकते हो, और यहाँ पर आपको हॉरोस्कोप, जोमेटो, फोमेटो, ये सब भी मिल जाएगा। और रही बात इंफोटेनमेंट की, इंफोटेनमेंट भी आपको ओरिजिनल जो कि टॉप मॉडल में आता है वो वाला भी मिल जाएगा। एक बार वाइपर मार लेते हैं, हाँ बारिश होते रहे तो हम अंदर से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप डोर देख सकते हो, डोर पूरा ही आपको रफ ब्लैक फिनिश में मिलती है। आई थिंक अगर आप ZX सिलेक्ट वेरिएंट भी लो तो वो आपके लिए ज़्यादा सेंसेबल होगा क्योंकि उसमें आपको बाहर से 1% भी काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ले सकते हो तो ZX सिलेक्ट वेरिएंट ले लेना, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। लेकिन अगर आप ये भी लेना चाहो, पर्टिकुलरली इस पीस की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज तो ZX बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्पीकर ग्रिल्स, एंड यहाँ पर आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक सुना, इस वेरिएंट में आपको दो ट्विटर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको तीन पेडल्स मिल जाते हैं, एक डेड पेडल भी दिया गया, चाबी से आप गाड़ी स्टार्ट करोगे। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इसका स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल, एंड देख रहे हो मेन पैसे तो इस चीज़ के है ना भाई। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, अभी वाइपर्स भी टेस्ट करके देख ही लेते हैं भाई, बहुत ही अच्छे शानदार साफ करते हैं। यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हेडलैम्प्स आपके मैनुअल रहेंगे। एंड यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं जैसे मैंने दिखाया, यहाँ से आप चेंज वेंज कर सकते हो, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, और यहाँ से आपको नेविगेशन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप नेविगेशन जैसे सेट करोगे, अभी कार कनेक्ट नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन्स, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाते हैं इन्फोटेनमेंट, ये है इसके मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, चार स्पीड कूलिंग अच्छी करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बटन मिल जाते हैं, बारिश में भाई गाड़ी में बैठ के काफ़ी अच्छा फील आता है। यहाँ पर आपको एक हार्ड में थोड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आप यूवी रख सकते हो, दो आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, बाकी 6 स्पीड का ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको फ़ोन ऑन रख सकते हो, मैनुअल हैंड ब्रेक रख सकते हो। और सीट्स की बात करें तो सीट अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, लेगरूम इज़ वेरी गुड। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टेयरिंग इज टिल्ट, यस टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला। अपोस्ट्री जो कि इसका लंबा सपोर्ट है काफ़ी अच्छा रखा गया। हेडरूम की बात करें तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। सनरूफ भाई, सनरूफ के असली मजे तो बारिश के दिनों में आते हैं, और मैं आज बारिश के दिन में इस बेहतरीन कार में बैठा हुआ हूँ, मैनुअल IRVM। यहाँ पर आपको कोई भी ग्लास नहीं मिलेगा, एक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक कैबिन लैम्प, ये कहाँ से जलेगा, ये आपको कैबिन लैम्प यहाँ से जला पाओगे। बाकी ये वाला सनरूफ का फीचर यहाँ पर आपको दिया गया है। अभी बारिश आ रही है इसलिए हम बंद कर देंगे। ये आपको इसका शेड मिलता है, यहाँ पर आपको एक ग्लास नहीं दिया गया जो कि मिल जाना चाहिए था। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स इज डिसेंट, ये आपको पूरा ही हार्ड फिनिश मिलता है, यहाँ पर आप भगवान लगा सकते हो। बाकी यस, कार में आप बैठोगे तो आपको बिल्कुल ये गैंगस्टर वाइब आएगी क्योंकि आप बहुत ही ऊंचा बैठते हो। सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो यस, अकॉर्डिंग टू योर हाइट यू कैन एडजस्ट। यहाँ पर आपको और भी हम एडजस्ट करने के बटन मिलते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हो, एडजस्ट कर लोगे क्योंकि फोल्ड वाला जो बटन है वो डमी रखा गया है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, और बाकी तो पीछे की स्पेस भी आपने देख रखी है, थर्ड रो की स्पेस भी आपने देख रखी है। यस, यहाँ पर आपको एक LED में केबिन लैंप मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, और इसकी जो रूफ लाइनिंग है काफ़ी अच्छी रखी गई है। एयरबैग्स की बात करें तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं, 6 एयरबैग्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ZX सिलेक्ट ले लो यार, ZX सिलेक्ट है ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, उसमें आपको जरूरत के सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर तो मैंने सब दिखाई दिया, और तो कुछ है नहीं जो आपको ना दिखाऊँ। बाकी एड्रीनोक्स की बात करें तो एड्रीनोक्स एक बार आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आपको भी तो विश्वास हो जाए मैं झूठ वूठ नहीं बोलता भाई। एड्रीनोक्स एक बार इसे साफ कर लेते हैं, देखो काफ़ी प्रीमियम चीज़ है ये कार में। बाकी यस, आपको कोई भी इसमें आपको
क्रोम व्रोम नहीं मिलेगा इसमें, आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाती है, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, आगे भी डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो ये है इसका मोस्ट फन टू ड्राइव 2.2 लीटर डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है। पावर की बात करें तो इसमें आपको 170 bhp 370 nm ऑफ टॉर्क मिलता है। माइलेज की बात करें तो 10 kmpl तक की आप माइलेज मान सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बाकी यस, गाड़ी चला के बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि कार काफ़ी फन टू ड्राइव है। थर्ड साउंड आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, 5-star रेटेड गाड़ी है तो कुछ चिंता करने वाली बात है नहीं। बाकी दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके इस वेरिएंट को मैं ढूंढ के लाया हूँ क्योंकि फ़ायदा आप लोगों का होना चाहिए भाई। एम करते हैं 10,000 लाइक्स का इस वीडियो में, कम से कम वीडियो में कम से कम 10,000 लाइक्स पूरा कर देना। जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आपको हेलोजन में हेडलैम्प्स मिल। देखो बारिश के लिए रुके हुए हैं, अभी बारिश बंद होगी उसके बाद में हम काम करेंगे। यार फोन भेज गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर नया फोन लेना पड़ जाएगा। विंडो बंद हो यार तू, इतना एनिमेशन ही देख लो तब तक, ये काफ़ी अच्छा एनिमेशन बन के आता है। अरे बंद हो जा, बहुत दिक्कत भाई, बहुत दिक्कत।